नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में, जहां की हम लोग हर एक वीक एक नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ हाजिर होते रहते हैं। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले DSSSB एग्जाम्स के बारे में, पर्टिकुलरली ड्रॉइंग टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है ये। और इस वीडियो का डिमांड किया था ज्योति शर्मा जी ने, यहाँ पे उनका कमेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि स्किल इसमें क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलरली क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितने एग्जाम्स होते हैं, किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं और ये सब। सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस, कि इससे रिक्रूट होके कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस, एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, सिलेबस इसका क्या क्या है, और छोटी मोटी और भी कुछ कुछ डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो आप, और चलिए वीडियो को शुरू करते। तो गाइज, DSSSB, हमेशा मैं दिक्कत होता है मुझे बोलने में, बट इसका फुल फॉर्म है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि ये एक कमिटी है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। ये एक कमिटी है जिसमें आपको डिफरेंट टीचर और उस टाइप के रोल्स के लिए जॉब्स प्रोवाइड होता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब होगा, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली ड्राइंग टीचर से रिलेटेड हम लोग करने वाले। ज्योति जी का भी क्वेश्चन जो था वो ड्राइंग टीचर ही से रिलेटेड था, तो हम लोग भी उसी एक चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात अगर करें तो टीयर वन का एग्जाम जो है DSSSB का, वो है अराउंड मतलब कि हालांकि ये कोई डेट आया नहीं है, लेकिन मैं जितना मुझे पता चला, क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी के पास नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता चला शायद जुलाई के आसपास ये ड्राइंग टीचर वाला एग्जाम जो है वो होना चाहिए। या तो ये एग्जाम होगा या तो एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम पे निकलेगा, आई एम नॉट श्योर। जो भी होगा मैं उसके बारे में डिटेल आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो गाइज, टोटल 224 से भी ज्यादा पोस्ट अवेलेबल है, यानी कि 224 से भी ज्यादा कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और मैं बताता चलूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में, अगर आप मुझसे पूछो एक तो है कि 5 साल का या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कोर्सेज का, यानी कि ड्राइंग हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ग्राफिक हो गया, आर्ट से रिलेटेड कोई भी बेसिकल फील्ड हो गया, ठीक है। मतलब कि ड्राइंग सबसे ही रिलेटेड एक्चुअली, आर्ट तो बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन जो ये सब टाइप के जो फील्ड जो है उसका, अगर आपके पास 5 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा या तो आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री हो इन सब चीजों की, यानी कि ड्राइंग हो गया, फाइन आर्ट हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, ये सब से रिलेटेड कोई भी आपके पास बैचलर्स या फिर मास्टर्स की आपके पास डिग्री हो तो भी आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, जहां तक एज लिमिट की बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे आपको होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। मतलब जॉब नहीं, पर्टिकुलरली टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। फिर आप एग्जाम आप क्लियर करोगे तो आपको तब जॉब मिलेगा। और गाइस, अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, यानी कि उनका जो हाई मैक्सिमम एज है वो 33 साल तक वो अप्लाई जो है इस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा ST/ST अगर है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि टोटल 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी की अगर बात करूं, जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो कई बार कई एग्जाम्स के लिए हमें कुछ फी मांगा जाता है, तो वही अगर एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात करें तो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ये ₹100 है। वहीं अनरिजर्व में गाइज इवन ओबीसी वो सब भी आ जाता है, लेकिन वहीं अगर वोमेन हो या फिर ST हो, SC हो, PWD हो और या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, उनका एप्लीकेशन फी माफ है। गाइज, हम लोग वीडियो के स्टार्ट में हमने बोला था टीयर वन एग्जाम का डेट, यानी कि टोटल 3 तरह के इस में एग्जाम है, टीयर वन एग्जाम, टीयर टू टेस्ट और फिर स्किल टेस्ट। तो टोटली ये जो है वो रिटन एग्जाम्स ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के।
और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें सिलेबस में हम लोग डिटेल में इसके बारे में हम लोग कवर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में सैलरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेस सैलरी जो है वो अराउंड 20,000 से 40,000 यानी कि 20,000 से लेके 40,000 के आसपास तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। और ग्रॉस सैलरी जो कि 2 times ऑफ बेस सैलरी होना चाहिए अराउंड, तो अराउंड नहीं भी तो आपको 35 से 75 के अराउंड होनी चाहिए, 35,000 से लेके 75,000 के बीच में जनरली होता है, ठीक है। और ये बात आप गाइस जान लो कि जो ड्राइंग टीचर का जो रिक्रूटमेंट है तो DSSSB जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट सैलरी प्रोवाइड करता है फॉर ड्राइंग टीचर्स, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सैलरी DSSSB ऑफर्स द बेस्ट सैलरी फॉर 2022 ड्राइंग टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप ड्राइंग टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये वाला एग्जाम तब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली या तो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, चांसेस वही है क्योंकि एग्जाम के बारे में तो और कहीं कुछ नहीं पता चला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक वो जुलाई के आसपास निकलेगा, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, यानी कि 30 दिन का वो डिफरेंस होता ही है, स्टार्ट डे और एंड डेट में 30 दिन का डिफरेंस होता है, उसके बीच में आप अप्लाई आप कर सकते हो। अप्लाई आपको कैसे आपको करना है ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको सिंपली ये वाला वेबसाइट पे आपको जाना है, यानी कि dssb.delhi.gov.in यहाँ पे आपको जाना है, ये डिस्क्रिप्शन में ये भी वेबसाइट का लिंक हमने दे दिया है। और इसमें जाके रिक्रूटमेंट टैब आपने खोलना है, रिक्रूटमेंट टैब खोल के आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप वाला आ जाएगा, उसमें आपको अप्लाई पे क्लिक आपको करना है, और उसके बाद फिर जैसे बाकी कॉम्पिटिशन के लिए आप भरते हो वैसे ही आपको भरना है, यानी कि आपको डिटेल्स अपना फिलअप करना है बिफोर द लास्ट डेट ऑब्वियसली, और इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन आपको फी पे करना है अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो। और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर साइन करके फाइनलाइज टोटल कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अगर मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट के बारे में भी कुछ गाइस नहीं पता चला है, तो जैसे जैसे अपडेट्स आएगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे या तो पोस्ट के थ्रू या तो स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, और अगर कुछ बहुत बड़ा अपडेट हो तो इवन रील और शॉर्ट यानी कि यूट्यूब शॉर्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इंस्टाग्राम रील पे भी आप बताऊंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, इसको जाके फॉलो जरूर से जरूर कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा बहुत सारा अपडेट्स इसमें आ रहा है, और मतलब कि हम लोग हमेशा हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू बी अप टू डेट इन आर इंस्टाग्राम हैंडल। तो एक सोशल मीडिया को आप मतलब कि फॉलो करके अगर आप रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा, वीडियो से रिलेटेड भी आपको नॉलेज आपको मिलती रहेगी, और इसके अलावा इस टाइप की नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। अब गाइज जहां तक बात है, तो आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आपके पास एडमिट कार्ड का ऑप्शन भी आ जाएगा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ना हमारे पास एडमिट कार्ड वाला कब आएगा ये कुछ ना पता है, ना एग्जाम डेट हम लोग को पता है, इवन एप्लीकेशन फॉर्म वाला भी जो डेट जो है वो भी टेंटेटिव डेट है, वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो गाइस आखिरी बात, अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें, इस एग्जाम में क्या सिलेबस कवर होने वाला है, टोटल 200 मार्क्स का गाइस पेपर है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम भी 2 घंटे होंगे, ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिक रीजनिंग और लैंग्वेज टेस्ट यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट इसमें इंक्लूड होंगे, ये 100 मार्क्स के, ठीक है। बाकी 100 मार्क्स के 2 और टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड देन कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ये स्ट्रेटजी रखोगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर आप अच्छे से अगर आप कवर करके रखोगे, और बाकी सारे के सारे चीज मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो 100 में से अराउंड 80 मार्क्स के करीब अगर आप उठा लिए तो आई थिंक आपका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है। हाँ, बाकी जो 4 जो है उसमें भी आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा, वरना ही तभी 80 आपको लाने से चलेगा, वरना आई थिंक 90 तक आप जाओ, और इन सब में भी अराउंड अगर आप 90 के करीब अगर आप लाते हो, आई एम नॉट श्योर, अभी तो कुछ भी नहीं पता कट ऑफ सब कितना जाता है,
ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाएगा गाइस। मैं जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। होपफुली मैं इंस्टाग्राम ही पे अपडेट करूंगा, तो जाके सब्सक्राइब माफ कीजिएगा जाके फॉलो जरूर से जो गाइस कर लो, ठीक है। बट जहां तक आप अगर आप मुझसे पूछो कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो हाँ है। एक मार्क्स मिलता है फॉर करेक्ट आंसर, वहीं 0.25 मार्क्स माइनस होता है फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स का है। और गाइस आखिरी बात की एग्जांपल क्वेश्चन पेपर हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली जाके क्लिक करना है, आपको अपना नाम और ईमेल आईडी अपना भरना है, मैं ईमेल आईडी पे आपको पिंग पोंग करके आपको वो एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखो कि एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है, एग्जाम्पल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, किस साल का मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जहां तक अगर मैं बात करूं टॉपिक्स के बारे में, जनरल अवेयरनेस जो मैंने बोला उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें, पर्टिकुलरली जो आपको मालूम होना चाहिए आपके अवेयरनेस का टेस्ट है ये जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक जो है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसमें कि ऑब्वियसली रीजनिंग से रिलेटेड बात पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस आपका टेस्ट होगा इसमें और रीजनिंग आपका टेस्ट होगा इसमें। तो जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अलावा सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, इसके अलावा विजुअलाइजेशन, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा एनालिसिस, जजमेंट, रिलेशनशिप ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें रीजनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो, ये तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट भी है गाइस, दो मतलब कि दो लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। और पूरा पूरा पेपर ही एक्चुअली इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट में भी दो टॉपिक्स है, इंग्लिश के भी टॉपिक्स है, मतलब हिंदी भी है और इंग्लिश भी, आप ये समझ के रहो। तो इंग्लिश के सारे ग्रामर्स और हिंदी के सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स जो है वो इस लैंग्वेज टेस्ट में आएगा। एक और मैं बोल दूं, लैंग्वेज टेस्ट में दोनों है, दो लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। और लास्टली उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में आपको पूरी पूरी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 224 से ज्यादा सीट्स अवेलेबल है करेंटली, तो होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ सारे के सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, स्पेशली वो लोग जो कि ड्राइंग के शौकीन हैं और जो शायद इस चीज में इंटरेस्टेड हो। स्पेशली गाइस ये जान लो कि आप दिल्ली में रहते हो तभी बस खाली ये नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी आप अप्लाई आप कर सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू ये जॉब लगेगा, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आई होप सो कि आपको कुछ इससे फायदा मिला हो। कमेंट भी अपना कर देना, जो भी सजेशन हो, कोई भी अगर डाउट हो, इसके अलावा कोई भी अगर आपका वीडियो डिमांड हो तो इसी तरह से पूरा हो जाता है, जिस तरह से ज्योति जी का ये वीडियो डिमांड जो है वो पूरा हुआ, तो बहुत टाइम बाद पूरा हुआ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन पूरा हो जाता है। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑन कर लो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम हर वीक ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं, अभी फिलहाल कुछ टाइम से हम लोग थोड़े इरेगुलर चल रहे हैं, लेकिन हम हर वीक हम ट्राई करते हैं कि एक नए आर्ट और क्राफ्ट की वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हो। चलिए अब अगले वीक आपसे मुलाकात होती, तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।